इसे मौका सालों में एक बार मिलता है, सालों क्या जन्मों में एक बार मिलता है। जय सीतापुर से सामान ढोते ढोते जब अपने मैं कमरे में पहुंचा गौरीकुंड में चप्पा चप्पा अंकल के साथ, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा तो मेरा तो बैटरी तो मोबाइल का खत्म हो चुका है, तो उसको चार्ज में लगाया, अपने कैमरे की बैटरी के चार्ज में लगाया, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा बैटरी ढूंढ रहा था अपने कैमरे की तो पता चलता है कि वो खो चुका है। मेरे आते आते बैटरी एकदम जीरो हो गई थी, मेरी नहीं मेरे कैमरा की बैटरी 1% हो गई थी और मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा बैटरी था जो फुल्ली चार्ज था, लेकिन अब जब ढूंढ रहा हूँ तो अब एकदम नहीं मिल रही। 5.5 हज़ार की बैटरी थी। अभी मैंने बस वाले को फोन किया है, वो फोन उठा नहीं रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो वहीं पे खड़ी है जहाँ पे वो बस ने हम मुझे उतारा था, यानी कि सीतापुर। फिर नीचे की तरफ से उतरना है, सीतापुर में वो खड़ी होगी जहाँ से मैं वॉक करना मैंने स्टार्ट किया, तो अभी वापस जाके मुझे वो लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पे होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बैटरी से मुझे नहीं लगता मैं शूट कर पाऊंगा। हाँ लगा दी। तो अभी वापस जाते हैं और देखते हैं मेरी बैटरी है वहाँ पे कि नहीं, अगर नहीं हुई तो फिर तो पंगा ही पंगा है, बहुत मुश्किल है भाई। बस में ही फोन किया था तो बोला सीतापुर में वहीं पे खड़ी है, शायद देखता हूँ वहाँ पे। मुझे लगा कि गए अब तो मिलेगा नहीं, पर मुझे लगा बस वापस हरिद्वार की तरफ निकल गई होगी, लेकिन नहीं अभी तक वो निकली नहीं है, वो वहीं पे खड़ी। मैंने उनके मालिक से बात किया लेकिन उन्होंने बोला कि जाके देखोगे तो देख लो, ऐसे कोई लेता तो नहीं है, अगर गिरी होगी तो वहीं पे होगा। मेरे साथ जो बस में बैठे थे केरला वाले लोग वो अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, पर आई सेड कि मेरा बैटरी वहाँ गिर गया तो देर लाइक हाँ ऐसे मेरे साथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी वापस 50 रुपए करके वही जीप से जाओ वहाँ तक, फिर वॉक करो 1 किलोमीटर, 1 घंटा अपना वेस्ट होगा। अभी 2:57 हो रहे हैं, लेकिन कम से कम मिल अगर जाए तो काफी है। वही जहाँ तक आप जा सकते हैं, मुझे सीतापुर बस स्टैंड वहाँ तक जा, तब पर जहाँ तक जा रहे हैं। अरे यार होपफुली मिल जाए, नहीं तो फन स्पॉइल हो जाएगा पूरा का पूरा। कहीं जा नहीं सकता यार, मैंने अच्छे से बैग में रखा था, लेकिन मैं जब फाइल ट्रांसफर कर रहा था अपने मैकबुक में शायद तभी स्लिप कर सकता हो शायद, तो कोई लिया तो नहीं हो, सब उधर ही चुके हैं और बस खाली की खाली वहाँ पे रखी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो वहीं पे हो। स्टार्ट हो गई है यार, अल्टीट्यूड ज्यादा है तो मौसम यहाँ पे कभी भी बदल जाता है। मैंने हड़बड़ी में रेनकोट अपना लिया नहीं, रेनकोट खरीद लिया है लेकिन बैग में ही है, लाया नहीं। शायद 10-15 मिनट का वॉक लगेगा और मैं पहुंच जाऊँ, दौड़ने की कोशिश करता हूँ। किधर रुकती है सर आगे? बस ने मुझे यहीं पे छोड़ा था, अब बस बस को ढूंढनी है। 567 वही नंबर था, पूछ लेता हूँ। थैंक यू। अब बस बोले कि यहाँ भी नहीं, बस 1 किलोमीटर आगे है, तो भैया अच्छे थे जो छाता उन्होंने दे दिया 1 किलोमीटर और वो बस बस देखा तो मुझे लगा कि शायद यहीं पे होगी, लेकिन नहीं, बड़ी वाली बस तो यहाँ दिख नहीं रही है। सीतापुर में आगे जाना पड़ेगा। वॉक करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बारिश का है और वो एंग्जाइटी वगैरह थोड़ा, नहीं तो ऐसे वॉक करने में दिक्कत नहीं। पहले सामान होता था ज़्यादा तो वॉक करने में दिक्कत होती थी। उधर है कहीं, वहाँ पे है कहीं, बस थोड़ा सा समय और फिर पता चल जाएगा कि 5,000 का नुकसान हुआ या भगवान ने फिर से बचाया। हमेशा बचाते ही हैं पर देखते हैं क्या होता है। देखने में बगल में लग रहा है पूरा जाना पड़ेगा। नहीं ये तो नहीं है, ये बस अपनी नहीं है। 567 वो किधर है भैया? 567 कौन सा? हाँ रुको, ये रही अपना सीट इधर कहीं है क्या? वो कैमरा का बैटरी था एक, यहाँ था तो काला सा था, इसमें बैठा हुआ था तो यही मिलता, मेरे को तो मिला नहीं। हाँ देख तो नहीं रहा ना।
यहाँ पे तो नहीं है और लगता नहीं है। बैग में भी मैंने 99.9% चेक कर लिया, वहाँ भी नहीं है। लगता है बैटरी चला गया। उत्तर काशी से बाबा की डोली आई है। अभी खिलखिलाती धूप आ गई है, मौसम यानी कि बदलते रहता है, तो जाते टाइम रेनकोट एकदम हाथ पे लेके जाना पड़ेगा। तो ट्रैकिंग करूंगा तो जान चला गया भाई। बाबा की डोली आ रही है धूम धमाके के साथ। यार ये लगती ही नहीं है यार, ऐसा खतरनाक गेट दिया, लगती ही नहीं है। यार लग जाओ यार, और डोली छूट रहा है। हट अरे जल्दी यार, चल 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 चलो 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 खाली पर दौड़ो। वहाँ जा सकते हैं ना सर? अच्छा 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 चल 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 चल। अरे सीढ़ी किधर है यार, सीढ़ी किधर है? ये सब मौका सालों में एक बार मिलता है, सालों क्या जन्मों में एक बार मिलता है। अच्छा है खाली पैर में हूँ। संभल के संभल के, आपा भी नहीं खोना है, पहले ही बैटरी का नुकसान हो चुका है। सर सर ये डोली उत्तर काशी से है, ये गुप्त काशी लमगोंडी। अच्छा लमगोंडी 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 गांव।
अच्छा, एक बार तो वहाँ से भी आती है ना, क्या कहते हैं, गुप्तकाशी से? हाँ, गुप्तकाशी के पास ही। अच्छा, गुप्तकाशी के पास ही है। अच्छा, तो ये डोली पे चढ़ना स्टार्ट आज ही होगी, कल सुबह कितने बजे से हो जाएगी? आठ बजे के बाद। अच्छा, डोली को पछाड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब वो लोग जो स्पीड से चढ़ते हैं ना, सब कुछ उठा के भी हम लोगों के पास का बात नहीं है, संभव ही नहीं है। हवन हुआ था। अच्छा, अपने कमरे में बैटरी खोने का शौक मना रहा था, सब जगह पे लॉज वॉज में पूछ रहा था कि हाँ गई मेरी बैटरी कहाँ गई। डोल का आवाज़ बहुत जोर से सुनाई दिया, तो मैंने सोचा कि मैंने देखा तो था डोली, लेकिन क्या यह पता यहाँ तक पहुँच गई होगी। ऐसे अप्रैल में जब पट खुलता है, जैसे इस बार कितना 29th अप्रैल में खुला, तो उस दिन भी डोली आई थी, तभी भी आती है। अलग अलग जैसे डोली आती रहती है अलग अलग समय में। तो ये गुप्तकाशी के पास कई लंबोडिया ऐसे करके हैं, वहाँ से आई है। मैं जब स्टार्टिंग में केदारनाथ जिस दिन पट खुलने वाला था उसी दिन आने वाला था, क्योंकि डोली मुझे देख के साथ साथ डोली के साथ जाना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन इस बार जब इतने दिन महीने बाद भी आया हूँ, तो भी बाबा की कृपा से। ये प्रसाद मिला है, सबको अपने अपने कमरे में जा रहे हैं, जो शहर बजा रहे थे ना। हाँ, रात गुजारनी, सुबह 8 बजे निकल गई ना, ये तो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाती है। 8 बजे आरती होगी, उसके बाद निकलेगी, उसके बाद चाय नाश्ता होगा। लेकिन ऊपर जाती बहुत तेज से है? नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से आती। खाने में क्या हो जाएगा सर? दाल खाइए, सब्जियाँ, रोटी है, चावल है, अचार। कैसे है? 140 पूरा प्लेट। मैं अकेला हूँ, कुछ बढ़िया बताइए, भरपेट खिलाई कितना था? अभी अभी खिला सकते, आधा घंटा में आते हैं तो मेरा, मैं यहीं आ जाऊँगा, यहीं आ जाऊँगी। खाना जब तक नहीं जाएगा बॉडी में, दिमाग काम नहीं करेगा। क्या समझ में नहीं आता है, 4 बार खो चुकी, घर से चढ़ते हैं यार। हाँ, आपकी सही। दया, मुझे शक्ति दो। सब जगह ढूंढ लिया गया है, लेकिन कहीं भी मेरे बैटरी का मुझे कहीं अता पता नहीं चला। तो इन शॉर्ट अपना बैटरी जा चुका है। मैंने हरिद्वार में वहाँ पे भी फ़ोन करके पूछा, लेकिन वहाँ भी नहीं। और कभी मैंने अभी फुटेज अपना चेक किया, तो मैं देख रहा था कि इसमें तो वाइट थोड़ा सा फॉगी सा आ रहा है। एक्चुअली में इसमें फिल्टर लगा हुआ है, ये देखो। तो अब बिना फिल्टर के, तो ये जब फिल्टर ऐसे आता है ना, ऐसा
तो ये एक्चुअली लेंस को प्रोटेक्ट करता है, ये भैया के लेंस के साथ आया था, वो वाइट फॉग दिखता क्या है उसका माइंड मत कर। अभी सीधा चल रहा है खाने के लिए, खाने का ऐसा हिसाब किताब है कि 140 रुपए के यहाँ पे खाना है, और वो चार रोटी वगैरह ये सब चावल वालों को देते हैं, तो या तो क्वांटिटी में मैटर करता है क्वालिटी नहीं। लेकिन यार वो पराठा मैं मिस कर रहा हूँ, जो लच्छेदार पराठा था उसमें आलू आलू भी भरा हुआ था, पहली बार देखा। पिच ब्लैक है यहाँ पे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पहाड़ वहाड़ तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कैमरे में दिखाई दे रहा है। आहा, मंदाकिनी की जो आवाज, पहले इसको लगाना पड़ेगा, फिर से दया बन। सब भोजन के लिए लगता है निकल रहे हैं, ओह बूंदाबांदी भी हो रही है। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी मी, यहाँ पे कुछ अंधेरा, अगर आईफोन लाता तो अभी तो छोड़ दो, कुछ कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं का कमाल है कि जो हो रहा है सोने से हो रहा है, नहीं तो खैर। अद्भुत, मुझे अभी दोस्त ने किसी ने बताया कि तुम कैमरा और बैटरी के चक्कर में अपना मेडिटेशन भूल रहे हो, मेन पर्पस याद रखो। मैंने एक मिनट बस आंखें बंद की और अंदर से ये आवाज़ है कि बैटरी किसकी थी, और नहीं बैटरी तो मेरी नहीं, तो जिसकी थी उसी के पास चलेगी, चल बस। यही यही होता है सेल्फ कंटेम्पलेशन में सारे सॉल्यूशन का जवाब। अरे यार कैमरा कैप्चर करो यार, ये कैप्चर। अभी अभी यहाँ पे चौकी लगा हुआ है ना, खाना खाने के बाद यहीं पे बैठेंगे शांत से, अभी उतना टेम्परेचर नहीं है कि कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब कि 1500 लोग कुछ होगा। बैठ सकते हैं क्या? बैठता हूँ। प्रचंड मात्रा में भूख लगी है, बहुत ज्यादा जोर से। सुबह सुबह चढ़ाई भी यहाँ पे कितने बजे स्टार्ट हो जाती है? 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे तो मतलब डोली जाएगी 8 बजे से ना, बहुत लोग पहले ही निकल जाएंगे 4 बजे। हाँ ये देवी की डोली है, अच्छा ये बाबा की डोली नहीं है। हाँ वही मैंने सोचा, वो तो जब पट खुलता है तभी चले जाती है ना। अच्छा अच्छा वो तो इधर, हाँ अच्छा अच्छा 4 बजे सुबह इज द वे टू गो। खाना अप्रतिम था, सबसे अच्छी बात है कि मैंने 4 कटोरी दाल ली है, 4 कटोरी सब्जी ली है, चावल की भी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, रोटी भी 4 रोटी 5 मिली, पेट भर गया है, जान में जान आई है। सुबह 4 बजे निकलना है, नहाना है गौरीकुंड में, पानी हमेशा गर्म ही आता है ऐसे सुना है मैंने, उसके बाद में आइडिया नहीं है। तो बैग जो अपना सारा है वो लॉकर रूम में मैं यहाँ पे रखवा दूंगा, लॉकर रूम में छोड़ दूंगा, 100 रुपये लगेंगे पर बैग के, एक बैग अच्छे से छोड़ दूंगा, एक छोटा सा बैग में एक जोड़े कपड़े ले लूँगा, और बाकी तो मेरा कैमरा बैग रहेगा ही। लेकिन जल्दी सोना पड़ेगा, इट्स 7:42, एटलीस्ट 6 घंटे की स्लीप चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर, सुबह को मिलते हैं 4 बजे, सुबह ट्रैक करते हैं। ठीक, तो क्या गौरीकुंड में नहा के जा रहे हैं कि ऐसे ही? नहीं, हम लोग आज नहा लिया, ऐसे ही जा रहे हैं, आज नहा लिए, 4 बजे नहा ला, पानी मुझे माथा में चढ़ा। हाँ 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 समझ गया, मैं एक ही अकेला ही हूँ, रेडी रहूंगा। ठीक है सर, ठीक। सो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, मैं अब सीधा सोने वाला हूँ, सुबह उठ के जल्दी जल्दी करनी है, और अभी जो मेस देख रहे हो ये देखो, इतना सारा जो मेस है सबको क्लियर करना है, एक बैग में सब कुछ छोड़ना है, और एक बैग और एक छोटा सा बार्सिलोना का बैग है उसमें भर के सब कुछ लेके जाना है, थोड़े से कपड़े, बेडशीट, एक स्वेटर वगैरह, पता नहीं क्योंकि ऊपर कितनी ठंड है मुझे कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल है, उतनी ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बस एक मेरा बैटरी चला गया, खैर उसमें बैटरी वैटरी जाते रहता है, बस मुझे ये दे रहा है कि 4K में शूट करूँगा बैटरी तो डेड हो जाती है, तो मुझे चार्जिंग पोर्ट लेके घूमना पड़ेगा, जहाँ मौका मिले वहाँ चार्ज कर लो, यही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी दिन के लिए मैंने बैटरी खरीदा था, और उसी दिन के एक दिन पहले, कोई बात नहीं, मिलता हूँ आपको, शुभ रात्रि।